नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे इंश्योरेंस प्लान के बारे में जिसके अंदर मात्र आप 399 रुपए के अंदर अपना एक 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपको साल के अंदर मात्र 399 रुपए पे करने होंगे जिससे आपको 10 लाख रुपए तक की लाइफ कवरेज मिलेगी। तो जानेंगे कि ये कौन सा प्लान है, कैसे आप ये प्लान ले सकते हैं, इस प्लान के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर आप इस प्लान के लिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो दोस्तों हम जिस पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस प्लान की बात कर रहे हैं उस प्लान का नाम है पोस्ट ऑफिस एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी स्कीम। ये एक ऐसा प्लान है दोस्तों जिसके अंदर मात्र आप प्रति वर्ष 399 रुपए के अंदर 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट है तो आपका बड़ी आसानी से ये इंश्योरेंस प्लान मिल जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाएंगे, जिससे यदि फ्यूचर के अंदर किसी अनहोनी कारण कोई भी समस्या आए तो आपकी फैमिली या फिर किसी भी फैमिली को या फिर किसी भी पर्सन जिसने ये प्लान लिया है उसकी फैमिली को कोई समस्या न आए और उनकी आर्थिक मदद हो जाए। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर ये प्लान लॉन्च किया गया है। और यदि आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक यानी आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से इस प्लान को ले सकते हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो यदि आप अपने फ्यूचर को देखते हुए या फिर अपने फैमिली के फ्यूचर को देखते हुए आप अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से ये प्लान ले सकते हैं और एक अच्छा इंश्योरेंस थोड़े से रुपए के अंदर ले सकते हैं। सबसे पहले बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास अपनी बैंक की डिटेल होनी चाहिए, आपके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास जो भी आपके सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट है वे होने चाहिए, आपके पास अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें आपके पास होने चाहिए यदि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर ये प्लान लेना चाहते हैं तो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यदि कोई भी पर्सन जो 18 से 65 वर्ष का है वो ये प्लान ले सकता है, जिसका पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट है उसको आसानी से प्लान मिल जाएगा और वे एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट जब आपके पास पूरे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं मात्र 399 रुपए के अंदर और 10 लाख तक की लाइफ कवरेज पा सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों जी आप पोस्ट ऑफिस एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी स्कीम लेते हैं तो इसके अंदर क्या रूल रेगुलेशन है या फिर कौन कौन से बेनिफिट्स किस समय दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट्स या फिर रूल रेगुलेशन की बात करें तो कोई पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी लेता है तो और दुर्घटनावश उसकी किसी भी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यदि स्थायी रूप से वो हैंडीकैप हो जाता है पर्सन जिसने ये पॉलिसी ले रखी है तो भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यदि स्थायी रूप से किसी भी अंग से हैंडीकैप हो जाता है एक्सीडेंट के कारण तो भी 10 लाख रुपए उस व्यक्ति के परिवार को या उसको दिए जाएंगे, और किसी भी एक्सीडेंट के कारण पॉलिसी होल्डर पैरालाइज हो जाता है तो भी उसको 10 लाख रुपए रिटर्न के तौर पर दिए जाएंगे या फिर उसको 10 लाख रुपए कवरेज दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि कोई पर्सन ये प्लान लेता है और किसी एक्सीडेंट के कारण उसको ओपीडी के अंदर भर्ती करवाया जाए तो उसके परिवार को 30,000 रुपए दिए जाएंगे या फिर जितने भी कम पेमेंट लगी है, जितने भी रुपए अस्पताल के अंदर खर्चा हुआ है उसमें से जो भी कम है या तो 30,000 रुपए या फिर जो रुपए लगे हैं उनमें से जो भी कम होगा वो उसको दिया जाएगा। और दोस्तों किसी भी कारण से यदि पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंट के कारण कोई भी चोट आ जाती है या फिर किसी भी कारण कोई समस्या हो जाती है तो उसके दोनों बच्चों को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों यदि पॉलिसी होल्डर अस्पताल में भर्ती रहता है किसी भी एक्सीडेंट के कारण तो उसको 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक दिए जाएंगे या फिर जितने भी रुपए लगे हैं इनमें से जो भी कम है वो उसको दे दिया जाएगा। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी होल्डर के फैमिली को परिवहन संबंधी लाभ भी दिए जाएंगे। इसके अंदर 25,000 रुपए या फिर जो भी एक्सीडेंट के कारण खर्चा हुआ है उसमें से जो भी कम है वो पॉलिसी होल्डर को फैमिली को दे दिया जाएगा। यानी यदि किसी भी एक्सीडेंट के कारण कोई भी परिवहन का खर्चा हुआ है या किसी प्रकार का खर्चा हुआ है
उसमें या तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे या फिर जितना भी खर्चा हुआ है इनमें से दो जो भी कम होगा वो दे दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर यदि पॉलिसी होल्डर के एक्सीडेंट के कारण कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी इलाज हुआ है, तो उसके ओपीडी के लिए इस पॉलिसी के दौरान 60,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लाभ इस पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को दिए जाएंगे यदि कोई भी पर्सन ये पॉलिसी लेता है। मात्र 399 रुपये के अंदर पूरे साल का 10,00,000 रुपये तक की कवरेज आसानी से इस पॉलिसी के अंदर मिल जाएगी। तो यदि कोई पर्सन ये चाहता है कि उसके पास थोड़े पैसे है और वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक अच्छी लाइफ कवरेज चाहता है, तो वह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपनी ये पॉलिसी ले सकता है और मात्र 399 रुपये के अंदर 10,00,000 रुपये तक का इंश्योरेंस पा सकता है। अब बात है कि दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस एक्सीडेंट कार्ड पॉलिसी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना है, वहां इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसके अंदर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें यदि आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट है तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको आसानी से ये पॉलिसी मिल जाएगी, जिससे आप मात्र 399 रुपये के अंदर 10,00,000 रुपये तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं और एक अच्छी लाइफ कवरेज पा सकते हैं। दोस्तों आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपका इसके बारे में सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित या फिर फ्रेंचाइजी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।